हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी सुबह का ये ब्रेकफास्ट बना रही हूं। तो आज इन लोग को बर्गर खाना है, तो वही मैं आलू टिक्की बना रही हूं। तो आलू मैं उबाल रही हूं और उसके बाद उसमें सारे मसाले वसाले डालकर उसको मैं मतलब गोल शेप दे रही हूँ। और फिर तवे पर तेल लगा कर इसको मैं इधर उधर उलट पलट के सेक लूँगी। और फ्राई भी किया जाता है तो मैं फ्राई नहीं करूँगी, तो पर ही सेकती हूँ। और फिर पाव में मैं इसको डालकर और प्याज टमाटर डालकर बस तैयार करूँगी। तो बस इधर उधर मैं सेक लेती हूँ इसको उलट पलट कर। और ये है पाव, तो चौकोर वाला पाव है, गोल वाला नहीं है। तो मैं इसी का बनाऊँगी बर्गर। और प्रिंसा सोनल तो पाव देख लेंगे, गोल वाला हो या चौकोर वाला, कोई भी पाव। तो उन लोगों को बर्गर खाना है, मम्मी बर्गर बना दीजिएगा। और वो लोग नहीं खाते हैं, चाय तो नहीं पीते हैं कि चाय से वो लोग खाएंगे, बर्गर ही खाते हैं। और चाय से खाना होता है तो बस इनके पापा ही खाते हैं, या तो मुझे खाना होता तो मैं खाती हूँ, तो मैं भी कम ही खाती हूँ। तो बर्गर बना रही हूँ उन लोगों के लिए। और फिर मैं सोची चार बना दूँ, प्रिंस के पापा के उनको भी दे दूँगी, क्योंकि जब भी बनाती हूँ तो उनको मिलता ही नहीं है, ऑफिस में रहते हैं। शाम के समय मैं ज़्यादा बनाती हूँ, सुबह तो नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, तो उनको मिलता भी नहीं है। तो आज मैं सोची आज वो घर पर हैं तो उनके लिए भी मैं बना दे रही हूँ। और प्याज और टमाटर मैं काट के रख दी थी, तो पहले मैं केचप को लगा लूँगी और उसके बाद मैं टिक्की लगाऊँगी और फिर प्याज और टमाटर लगाकर बस बर्गर तैयार हो जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस यही सब मतलब डालकर बनाऊँगी। और टेस्टी बनता है, ऐसे भी बनाओ तो अच्छा लगता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जा रहे हैं सब्जी मंडी। तो आलू प्याज सब लेना है तो मैं महीने भर का मंगा लेती हूँ, तो वही जा रहे हैं अभी। तो मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं सब्जी लेकर, तो लौकी भी लेकर आए हैं, देखिए हरा सब्जी भी थोड़ा लाए हैं और अदरक वगैरह लहसुन। मैं मतलब पूरा महीने भर का सामान मंगा लेती हूँ, चाहे राशन का हो या आलू प्याज। और हरी सब्जी तो मंगाती हूँ, कम मंगाती हूँ, नहीं तो ऐसे रोज़ लाते हैं। और इनका छुट्टी रहता है तो इसी तरह सारा मतलब सामान वामान महीने भर का ला कर रख देते हैं। तो मैं निकाल कर ये सब मतलब यहीं पर रख रही हूँ, बाद में फ्रिज में रखूँगी। और अदरक को नहीं रखूँगी, अदरक को ऊपर ही रखूँगी। और इसमें है आलू प्याज, तो इसको मैं खोल रही हूँ पर खुल नहीं रहा था, तो मैं कैंची से इसको काट दे रही हूँ। तो मतलब इसमें मंडी से लाने से ना सस्ता पड़ता है, जैसे अच्छे दामों में मिल जाता है। मतलब ज़्यादा लो तो 1 किलो 2 किलो लो तो मतलब महंगा पड़ जाता है ज़्यादा। ऐसे मैं मतलब ज़्यादा लाती हूँ तो अच्छे दाम में मतलब मिल जाता है, तो इसीलिए मैं मंडी से आलू और प्याज मंगा लेती हूँ। और बार बार कौन जाएगा आलू या प्याज लाने, तो मैं इसीलिए महीने भर का ही मंगा कर रख देती हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, प्रिंस का बुक लेना है और चावल वगैरह भी लेना है, तो वही मैं भी जा रही हूँ साथ में। सुबह तो सब्जी बाजार करके ला दी है और अभी मैं भी जा रही हूँ चावल और लेना है और प्रिंस का बुक भी लेना है, तो चलिए आप सब भी मेरे साथ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, प्रिंस का बुक्स वगैरह लेना है, तो सोनल का भी लेना है, तो पहले प्रिंस का ले लें। और कापी तो इनका ले लिए हैं, बस बुक लेना है, तो वही हम लोग जा रहे हैं। और चावल वगैरह भी लेना है मुझे, तो वही मैं जा रही हूँ साथ में इनके।
पहुंच गए हैं दुकान पर, तो पहले ले लेते हैं प्रिंस का बुक्स, क्योंकि और भी बहुत सारा सामान लेना है मुझे। तो इनका छुट्टी रहता है ना, तो मैं सारा सामान मतलब मंगा कर रख देती हूँ, मतलब ठीक रहता है ना। तो इस तरह ना दुकान कौन जाएगा रोज़ रोज़ दुकान। और इनका भी छुट्टी नहीं रहता है, बहुत मतलब कम रहता है छुट्टी। तो बस हम लोग ले लेते हैं पहले प्रिंस का बुक्स। और ले लिए हम लोग, तो जा रहे हैं। और अभी सोनल का सिर्फ लेना है, तो उसका तो स्कूल के पास ही दुकान है, तो कोई टेंशन नहीं है, ले लेंगे। और अब हम लोग आ गए हैं टोपी के दुकान में, तो ले रहे हैं प्रिंस के लिए टोपी, क्योंकि वो मोड़ तक आते हैं टेम्पू से और फिर वहाँ से पैदल आते हैं, तो धूप लगता है। तो मैं कहती हूँ कि छाता ले जाओ, वो छाता नहीं ले जाएंगे, टोपी पहनना है उनको। और ये वाला टोपी पसंद आया है तो ले लेते हैं। कह रहे थे कि नीला रंग लीजिएगा या पर्पल, और पास में ही अंगूर का दुकान था, तो ले रहे हैं हम लोग अंगूर। और अब आ गए हैं कपड़े के दुकान में, तो इनको लेना था सेंडो गंजी और गमछा लेंगे। और यहाँ देखिए सूट का पीस रखा हुआ है कितने सारे, तो इनको गंजी लेना था सेंडो गंजी, और ये गमछा लेना था। तो टॉवल से ये नहीं पोछते हैं, इनको सूती गमछा चाहिए, तो वही ये ले रहे हैं। और अब हम लोग निकल गए हैं, तो ले रहे हैं अब केला। और अब ये गए हैं दही लेने, तो दही तो मैं घर पर ही जमा देती हूँ, पर था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो वही वो ले रहे हैं। और अब आ गए हम लोग चावल के दुकान में, तो देखिए यहाँ पर कितने सारे चावल रखे हुए हैं, और पैकेट वाला भी है और खुले भी रखे हुए हैं, तो जैसे दाम वैसा मतलब चावल भी है। तो यहीं से मैं चावल ले जाती हूँ, पैकेट वाला या खुला। तो बस अब हम लोग आ गए हैं घर चावल वावल लेकर, और बहुत थक जाती हूँ इतने सारे, मतलब बाइक पर भी बैठ के जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत थकावट होती है, पता नहीं क्यों। और ये है प्रिंस के सारे बुक्स, तो प्रिंस के तो बुक्स और कॉपी सब आ गया है, और सोनल का बाकी है। तो सोनल का स्कूल के पास ही है दुकान, तो कोई टेंशन नहीं रहता है उसका, कभी भी हम लोग ले लेंगे। और ये देखिए सोनल बैठे बैठे देखिए क्या कर रही है, गुल्लक को कलर कर रही है वो, मतलब बैठे बैठे ना उसके दिमाग में क्या सब आएगा ना, वही सब करते रहती है, तो इसको कलर कर रही है, मतलब उसको इसी सब चीज़ में मतलब मज़ा आता है, तो अपना कुछ ना कुछ इसी तरह जो उसके दिमाग में आता है करते रहती है। और अब मैं सारे सब्जी फ्रिज में रखने जा रही हूँ, हरा सब्जी जो है, क्योंकि सुबह में तो उसी तरह रख दी थी, दुकान चली गई थी इनके साथ, तो फ्रिज में रख देती हूँ मैं सारे सब्जी को। और ये देखिए मिर्चा और भिंडी है, तो देखिए कितना बड़ा बड़ा हरा मिर्च है, तो इसको भी अभी अलग करूँगी, क्योंकि एक साथ भिंडी और हरी मिर्च एक साथ ये लेकर आए हैं, तो सारे मैं अलग कर दूँगी पहले, उसके बाद मैं रखूँगी फ्रिज में। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।